सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं द सैंडमैन सीरीज के सीजन 2 की रिलीज अपडेट के बारे में। बिकॉज भाई अगर आप लोगों ने इसके सीजन 1 को देख लिया होगा देन आप लोग डेफिनेटली इसके सीजन 2 का वेट कर रहे होगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई फाइनली काफी वेट के बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर द सैंडमैन सीरीज का पहला सीजन रिलीज हो चुका है। एंड भाई सीजन 1 रिलीज होने के साथ ही ऑडियंस की तरफ से भी इस सीरीज को काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। करंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो द असाइनमेंट सीरीज की जो आप लोग को IMDb रेटिंग है वो 8.1 की देखने को मिलती है। एंड ये जो सीरीज है वो काफी सारी कंट्रीज में नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रही है, जिसमें अपना इंडिया भी आता है। जिसका मतलब ये कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में 90% ऑडियंस है जिनको ये जो शो है वो पसंद आ रहा है। एंड अगर आप लोगों ने शो को देख लिया देन कमेंट करके बताना कि आप लोग को भाई द असाइनमेंट सीरीज कैसी लगी। अब बात करें इस सीरीज के सीजन 2 की, तो सीजन 2 को लेकर जो अपडेट है भाई आप लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव सामने निकल कर आई है। बिकॉज इस सीरीज के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अभी से ये चीज हिंट कर दिया कि सीजन 2 की जो स्टोरी है उसके ऊपर उन लोगों ने वर्क स्टार्ट कर दिया। दैट मींस कि जो सीजन 2 का स्क्रिप्टिंग का वर्क है वो करंटली स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे ही नेटफ्लिक्स की तरफ से इस शो को ग्रीन लाइट मिलेगी आप लोग को इसका जो प्रोडक्शन का वर्क है वो भी देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स यूजुअली 1 से 2 महीने का टाइम लेता है अपने शो को रिन्यू करने में। एंड आप लोग को सैंडमैन के साथ भी वही सेम केस देखने को मिलेगा, जिधर भाई सैंडमैन की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि शो ने एक्जैक्टली किस तरीके का परफॉर्म करा है एंड कितनी नई ऑडियंस ने इस शो को देखा है। अब देखो भाई सैंडमैन सीरीज में नेटफ्लिक्स का अपना खुद का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। एंड जिस शो में भाई नेटफ्लिक्स खुद इन्वेस्ट करा होता है उसका आप लोग को जो रिन्यूअल है भाई 1 महीने के अंदर ही सुनने को मिल जाता है। तो करंटली भाई मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस अकॉर्डिंग आप लोग को आने वाले मंथ में जो इसका रिन्यूअल है वो सुनने को मिल जाएगा। मे बी भाई जो टुडुम वाला इवेंट होने वाला है उसके अंदर आप लोग को सैंडमैन के सीजन 2 की जो कंफर्मेशन है वो नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिल जाए। हालांकि भाई नेटफ्लिक्स के रिन्यूअल से पहले इनके मेकर्स ने चीज हिंट कर दिया कि आप लोग को सैंडमैन सीरीज का सीजन 2 देखने को मिलेगा। प्लस भाई उन्होंने ये चीज भी हिंट करी थी कि अगर सैंडमैन सीरीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है देन आप लोग को इन फ्यूचर इसकी मिनी सीरीज प्लस इसके स्पिन ऑफ भी देखने को मिल सकते हैं। सो भाई लास्ट में बात करें द सैंडमैन सीरीज के सीजन 2 के रिलीज की, आप लोग को भाई इसका सीजन 2 कब तक देखने को मिल सकता है, इसकी पोटेंशियल रिलीज डेट क्या है। तो देखो भाई अभी करंटली मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस अकॉर्डिंग आप लोग को इस सीजन 2 को देखने के लिए भी भाई 2024 के स्प्रिंग से समर तक का वेट करना पड़ेगा। दैट मींस कि भाई आप लोग को 2024 के भी मिड तक का वेट करना पड़ेगा इस सीरीज के सीजन 2 को देखने के लिए। हालांकि भाई अभी ये काफी अर्ली अपडेट्स हैं, बिकॉज जैसे भाई इसका शूटिंग का वर्क स्टार्ट होगा उसके बाद आप लोग को इसके रिलीज में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो भाई इन फ्यूचर जो भी मेरे को इसके ऊपर नई अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोग को जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। बट इस अभी करंटली आप लोग इस अपडेट पे स्टे कर सकते हो। चांसेस आए कि भाई आप लोग को इसके सीजन 2 में भी टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे जैसे आप लोग को इसके सीजन 1 में एपिसोड देखने को मिले थे। तो आप लोग बताओ भाई हमसे कितने लोगों ने द असाइनमेंट सीरीज को देख लिया एंड आपके अकॉर्डिंग भाई सीजन 2 में आप लोगों को कैसी स्टोरी देखने को मिल सकती है। आप लोग अगर भाई कोई भी थॉट या फिर थ्योरीज है उसको आप लोग बिंदास कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी भाई अभी करंटली वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।